हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको नंबर सिस्टम का अगला प्रश्न करवाएंगे जो कि शॉर्ट ट्रिक से होगा। आप अपने माइंड में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन पेपर उठाए हुए। तो देखिए, यहाँ से कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जो दो से विभाजित हो जाए। और यहाँ पर कह रहा है कि क्रमागत, क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाली सम संख्याएं। देखिए, क्रमागत सम संख्याएं, क्रम से आने वाली सम संख्याएं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है 3 और यहाँ पर योग लिखा है 30। तो यहाँ पर ट्रिक क्या हो गई, देखिए 30 में यहाँ पर 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ से भाग देंगे तो कितना आ गया 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, ठीक बीच वाली संख्या क्या है, 10 है। अब देखिए इसे हम, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। देखिए इसी को हम अब ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए ये ट्रिक हो गया आपका, ये ट्रिक हो गया। और यहाँ से देखिए ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते हैं, करा कि तीन क्रमागत सम संख्याएं, यहाँ पर माना कि पहली संख्या क्या है, एक्स है, ये देखिए सम संख्या एक्स है। और दूसरी संख्या क्या है, यहाँ से देखिए कह रहा है कि सम संख्या है क्रम से आने वाली। तो देखिए अगर पहली संख्या एक्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस टू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या कह रहा है। और देखिए तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इनका योग, तीनों का योग कर लीजिए, प्लस प्लस इज इक्वल टू, इनका योग कितना है, 30 है। तो यहां से देखिए आप जोड़ रहे होंगे, देखिए एक्स 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 कितना हो गया, 3x, और यहां से जोड़ेंगे कितना हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 13। तो देखिए यहां से 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8। ये देखिए यहाँ पर x माने पहली संख्या निकली है। अब यहाँ से देखिए अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी हो तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या में 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, तो देखिए ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, 10 है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए आप इस मेथड से नहीं करेंगे, आप सीधे स्ट्रिक्ट मेथड से करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर समय बचाना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है। ये देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, और क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाली सम संख्याओं का योग कितना है, 60 है। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए योग कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, यहाँ पर 60 लिख लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग दे दीजिए, यहाँ से देखिए भाग दे रहे होंगे, 12 × 25 = 60, तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब कह रहा है कि ये देखिए एक कौन सी संख्या निकली, बीच वाली संख्या निकलेगी। तो देखिए इसमें 5 संख्या है और देखिए यहाँ पर 2 संख्या आगे होगी और 2 संख्या पीछे, तो देखिए यहाँ पर 12 हो गया। और इससे देखिए इससे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पर कह रहा है कि सम संख्या, यहाँ से देखिए घटाएंगे 2 कितना होगा, 10 होगा। इससे छोटी संख्या क्या होगी, 2 घटाएंगे क्या होगा, 8 होगा। और देखिए अब ये बीच की संख्या हो गई, इससे बड़ा क्या होगा, 12 × 2 = 14, और इससे बड़ा क्या होगा, 16। तो हमसे कह रहा है कि इसमें से देखिए पांचों संख्याएं हो गई, कह रहा है कि इसमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए 8 क्या है, सबसे छोटी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए अब हम विषम संख्याओं के विषय में पढ़ते हैं।
ये देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है तीन क्रमागत, कितनी संख्याएं हैं, तीन क्रमागत। क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाली संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर योग, देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर योग कितना दिया गया है, 51 दिया गया है, और यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, क्रमागत तीन है, तीन से भाग दे दीजिए, यहाँ पर भाग देंगे 17 × 51 कितना आ गया, 17 आ गया। अब पूछ रहा है कि ठीक बीच वाली, तो देखिए जब इसमें भाग देते हैं योग में और उसकी संख्या से वह बीच वाली संख्या ही आती है, तो ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 17 होगी। तो देखिए अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है, ए करेक्ट है। तो देखिए अगर कहा जाए कि तीनों संख्याएं क्या होंगी, तो देखिए 17 बीच वाली संख्या कितनी है, 17 है, और इससे दो कम कितना हो जाएगा, 15, और इससे दो ज्यादा कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है क्रमागत, 15, 17 और 19। आइए अब हम विषम संख्या पर नेक्स्ट प्रश्न 4 करते हैं, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो कह रहा है कि पांच क्रमागत, ये देखिए कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं। क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कितनी संख्याओं का योग कितना है, 55 है। अब देखिए कितनी संख्याएं हैं, यहाँ देखिए कितनी संख्याएं हैं, पांच संख्याएं हैं, यहाँ से भाग देंगे 11, 5, 55, ये क्या हो गया, यह बीच वाली संख्या है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए अगर यह बीच वाली संख्या 11 है, तो इससे दो ज्यादा कितना हो जाएगा, 13, और इससे दो ज्यादा कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए ये बीच वाली संख्या हो गई, तो अब इससे कम होगा इस साइड, तो कितना होगा, देखिए 11 में से दो गए 9, और यहां से देखिए 11 में से दो गए, सॉरी 9 में से दो गए 7। तो यहां पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मीन्स सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 15 होगा।